मैंने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिंदगी में दोस्तों कभी भी ना अच्छे काम करने के लिए ना कुछ नहीं लगता है। तो एक छोटी सी कहानी मैं ऐसी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बच्चा दोपहर में जलती हुई धूप में फूल बेच रहा था, तो फूल बेच रहा था तो उसके नंगे पैर थे, तो पैरों में बहुत जल रहा था, वो जल रहा था बहुत ज़ोर से। तो एक सज्जन, एक अच्छे इंसान उधर से रास्ते से निकले ही, तो उस बच्चे को देखा कि ये बच्चा तो नंगे पैर और धूप में जल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, दौड़ करके एक पास की दुकान में गए और वहाँ से जूते खरीद के ले आया वो इंसान। वो जूते ला करके उस बच्चे को दिया, बोला बेटा लो इसको पहन लो। तो उस बच्चे ने फटाक से जूतों को पहन लिया और पहन करके बहुत खुश हुआ वो। फिर उसके बाद में उस सज्जन इंसान से हाथ पकड़ के उसका बोला, आप मेरे लिए भगवान हैं। उसने कहा, नहीं नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ। उसने कहा, तो फिर आप, उस बच्चे ने कहा, तो फिर अंकल जी आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात में ना मैंने सपने में भगवान जी से कहा था, भगवान जी मैं दोपहर में फूल बेचने जाता हूँ तो मेरे पैर बहुत जलते हैं। तो उस इंसान ने कहा, हाँ ठीक है यही है। तो उस इंसान ने अपने मन में सोचा कि सब कुछ दुनिया में मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवान का दोस्त बनना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात यह है कि ज़िंदगी में ना भगवान जी कहते हैं कि मुझे खाली हाथ ही जाना है, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है साथ में ले जाने की। तो दोस्तों बस इसी हिसाब से चलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपके पास में टाइम से पहुंचते रहें। धन्यवाद।